देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि आज विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद अब केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एडब्ल्यू को नहीं लीव करने वाले गए। एडब्ल्यू में कोडी रोड्स के ईवीपी रोल को लेकर कोडी रोड्स ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यू करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टारडम रेसलिंग की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। जोई जेनला के एडब्ल्यू के लीव करने को लेकर जोई जेनला ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस, वहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर के सीएम पंक के बार बार रिपोर्ट को लेकर डैक्स एटवुड रेसलिंग ऑब्जर्वर पर भड़क चुके हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वल्गार बात करें यहां पर कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न होने से पहले कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी के ऑर्गुली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार थे। और गाइस, कोडी रोड्स एडब्ल्यू में रेसलर होने के साथ साथ एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते थे। और गाइस, यहीं इस हफ्ते बीटी स्पोर्ट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू में उनके ईवीपी रोल को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी का ये कहना है कि कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि कोडी रोड्स उनके रेसलिंग करियर के अंदर अपने आप को इंप्रूव कर पाए। क्योंकि गाइस, यहां पर कोडी को ऐसा लगता है कि जब कोडी एडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे थे तो गाइस कोडी रोड्स के ईवीपी रोल की वजह से कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर अपने आप को पुश न करके बल्कि यंगर रेसलर्स को पुश कर रहे थे। और गाइस, कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू के अंदर बार बार कई सारे ऐसे रेसलर से मैचेस को हारे गए जिन रेसलर से कोडी रोड्स को कभी भी नहीं हारना चाहिए था। और गाइस, यहां पर कोडी रोड्स के एडब्ल्यू में ईवीपी होने की वजह से कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर कई सारे ऐसे गलत डिसीजन लेते थे जो कि कोडी रोड्स को नहीं लेना चाहिए था। और गाइस, कोडी का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी के ईवीपी बनने के लिए कोडी रोड्स अभी बहुत ज्यादा इमेच्योर थे। और गाइस, यहां पर कोडी रोड्स को ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर रेसलर ना बनके बल्कि कोच की तरह काम कर रहे थे। और गाइस, यहां पर कोडी रोड्स को एनडब्ल्यूडी ये बात समझ में आ गई थी कि कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर रहते गए तो गाइस कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के यंगर रेसलर्स को ज्यादा पुश करेंगे। और गाइस, यहां पर क्योंकि कोडी की उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई गई तो गाइस इसीलिए कोडी ने यह फैसला किया कि वो अपने करियर को ज्यादा फोकस करेंगे। और गाइस, एडब्ल्यू में कोच बनने से बढ़िया कोडी रोड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर प्लेयर बनेंगे। बल गाइस, आप लोग कोडी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वल्गार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग फॉरबिडन डोर को लेकर बात की गई, जहाँ पर टोनी खान ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग शामिल होने वाली है। और गाइस, यहाँ पर इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू और के मेन डिवीजन के मैचेस के साथ साथ एडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग के वुमेन डिवीजन के बीच में मैचेस होने वाले गए। और गाइस, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वुमेन डिवीजन नहीं गए तो गाइस इसीलिए इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के रेसलर स्टारडम के रेसलर्स को फेस करेंगे। और गाइस, इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के साथ साथ स्टारडम रेसलिंग की इन्वॉल्वमेंट भी होने वाली है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टारडम रेसलिंग के कौन कौन से रेसलर्स को बुक करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही एडब्ल्यू के रेसलर्स की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जेनला ने जीसीडब्ल्यू के लेटेस्ट इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी में उनके करियर को लेकर बात की गई, जहां पर जीसीडब्ल्यू पर जोई जेनला ने उनके प्रोमो में ये कहा कि जब जोई जेनला एडब्ल्यू के अंदर काम करते थे तो गाइस एडब्ल्यू में जोई जेनला के बुकिंग सिस्टम को देख के जोई जेनला एडब्ल्यू के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। और गाइस, जोई जेनला को ये लग रहा था कि जोई जेनला का एडब्ल्यू में रेसलिंग करियर ओवर होने वाला है। और गाइस, जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी जोई जेनला को बुक कर रही थी उन चीजों को देखने के बाद जोई जेनला रिटायरमेंट लेने का भी सोच रहे थे। बट गाइस, यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि जोई जेनला एडब्ल्यू कंपनी को हेट करते गए, क्योंकि गाइस जोई जेनला को ये बढ़िया तरीके से मालूम है कि टोनी खान काफी सारे बड़े रेसलर्स के साथ डील करते गए। और गाइस, इसीलिए टोनी खान का जोई जेनला को एडब्ल्यू का बिगेस्ट सुपरस्टार बनाना टोनी खान के लिए पॉसिबल नहीं गए। और गाइस, एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने जोई जेनला के लिए जो कुछ भी किया है, जोई जेनला उन चीजों के लिए हमेशा टोनी खान के थैंकफुल रहेंगे। बट गाइस, यहां पर अगर जोई जेनला आज भी एडब्ल्यू के अंदर होते तो गाइस जोई जेनला अब तक डिप्रेस होकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुके होते। और गाइस, जोई जेनला ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो एडब्ल्यू के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते गए। बट गाइस, मैं यहां पर जोई जेनला के इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन एफटीआर के मेंबर डैक्स एटवुड की। वल्गार बात करें यहां पर डैक्स एटवुड की, तो गाइस इस हफ्ते डैक्स एटवुड के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डैक्स एटवुड ने रेसलिंग ऑब्जर्वर को बुरी तरीके
तरीके से मॉक कर दिया है। जहां पर डेक्स अर्नवुड का ये कहना है कि जब से AEW के ऑल आउट पर ब्रॉल हुआ है, तब से रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्बर्ट के द्वारा CM Punk को लेकर बार बार कोई ना कोई रिपोर्ट चलाई जाती है। और गाइस यहां पर डेक्स अर्नवुड का ये कहना है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्बर्ट को AEW में CM Punk को लेकर जो भी बातें मालूम चलती गई, वो सभी बातें AEW के एक रेसलर के द्वारा बताई जाती गई। और गाइस क्योंकि ये सभी बातें AEW का एक रेसलर रेसलिंग ऑब्जर्वर को बताता है, तो गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्बर्ट उनके रिपोर्ट में जो भी कहते गए वो चीजें सच में AEW के बैक स्टेज पर हो रही गई। क्योंकि गाइस यहां पर डेक्स अर्नवुड ये बिलीव करते गए कि AEW का जो रेसलर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्बर्ट को रिपोर्ट देता है, वो रेसलर AEW के अंदर काफी सारी चीजों को मन घड़ंत कहानियां बनाकर रेसलिंग ऑब्जर्वर को बताता है। और गाइस यहां पर AEW के अंदर जो रेसलर ब्रायन एल्बर्ट और डेव मेल्जर, इन दोनों को AEW के बैक स्टेज पर न्यूज देता है, जरूरी नहीं है कि वो सभी न्यूजें पूरी तरह से सही हो। क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर कोई एक आदमी रेसलिंग ऑब्जर्वर को सभी न्यूज देता है तो गाइज वो रेसलर अपनी तरफ से भी कहानियां बनाकर बता सकता है। और गाइज इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर AEW के बैक स्टेज को लेकर आए दिन हीट वाली जो भी न्यूज सुनाते गए उनमें से 90% न्यूज फेक होती गए। और गाइज यहाँ पर डेक्स अर्नवुड ने AEW के फैंस से ये रिक्वेस्ट की गए कि AEW के फैंस रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा जो भी रिपोर्ट सुनते गए AEW के फैंस को उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। और गाइज मैं पर हार्डवुड की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार केनी ओमेगा की। वल्गार बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई कि केनी ओमेगा का AEW कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 8 महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज इस साल के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद केनी ओमेगा पॉसिबली WWE के ऊपर जंप कर सकते गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि केनी ओमेगा को WWE साइन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइज यहाँ पर जैसे ही ओमेगा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, WWE कोडी रोड्स की तरह केनी ओमेगा को ज्यादा पैसे देकर साइन करने की कोशिश करेगी। बट गाइज यही कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर विंस मैकमैन के WWE के क्रिएटिव पोजीशन में रिटर्न होने के बाद अब पॉसिबली केनी ओमेगा WWE को नहीं ज्वाइन करने वाले गए। क्योंकि गाइज यहां पर केनी ओमेगा एक ऐसे रेसलर हैं जो कि क्रिएटिव फ्रीडम के तहत काम करना चाहते गए। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा ये बिलीव करते थे कि AAA के WWE में इंचार्ज बनने के बाद AAA केनी ओमेगा को काफी सारा क्रिएटिव फ्रीडम दे सकते गए। और गाइज यहां पर विंस मैकमैन के WWE से जाने की वजह से ही केनी ओमेगा WWE को ज्वाइन करने का सोच रहे थे। बट गाइज अब जबकि विंस मैकमैन वापस आ चुके गए तो गाइज केनी ओमेगा पॉसिबली WWE को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। और गाइज हो सकता है कि केनी ओमेगा के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले ही केनी ओमेगा AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। वेल गाइज आप लोग ओमेगा को AEW में देखना चाहते हो या फिर आप लोग ओमेगा को WWE में देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो कि WWE को नहीं ज्वाइन करने वाले गए। क्योंकि गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कन्फर्म किया है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट NJPW के फॉर्मर सुपरस्टार और बुलेट क्लब के फॉर्मर लीडर जे वाइट भी अब WWE को नहीं ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि जे वाइट के NJPW को लीव करने के बाद इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही थी कि जे वाइट रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE के अंदर उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि WWE जे वाइट को गारंटेड साइन करने वाले गए। बट गाइज यही अभी सबसे PWI इनसाइडर ने इस चीज को कन्फर्म किया है कि रेसलमेनिया वीकेंड पर जे वाइट के डेब्यू ना करने के बाद अब जे वाइट WWE के अंदर डेब्यू नहीं करने वाले गए। और गाइज यहां पर PWI इनसाइडर के WWE पे बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद PWI इनसाइडर इस चीज को कंफर्म करना चाहेंगे कि WWE और जे वाइट के बीच में इस समय किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। और गाइज फिलहाल के लिए जे वाइट WWE के अंदर डेब्यू नहीं करने वाले गए। और गाइज अब क्योंकि जे वाइट WWE को ज्वाइन नहीं करने वाले गए तो गाइज आप लोग ये चीज मानकर चल सकते हो कि बहुत ही जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर जे वाइट AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज इस बार जे वाइट AEW के अंदर NJPW के रेसलर ना बनके बल्कि AEW के रेसलर बनकर काम करेंगे। वेल गाइज आप लोग जे वाइट को AEW में देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।